वेलकम टू बिजनेस की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बी एन इन्वेस्टर एंड व्हाई टू बी एन इन्वेस्टर। मेरा नाम है तुषार कंसल, कंपनी का नाम है कंसल्टेंसी वेंचर्स। 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करे हैं कंपनीज के लिए, और कंसल्टेंसी वेंचर्स ने बहुत स्टार्टअप्स को हेल्प किया है। तो सबसे पहले हम समझें कि इन्वेस्टर क्यों बने, कैसे बने, लेकिन आज के टाइम में क्यों बने। आप स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, अगर इन सब मिशंस को आप देखते हो टीवी पे, तो आपको ये पता होगा कि 2016 में 400 के आसपास स्टार्टअप्स थीं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड थीं। आज हम 2023 में हैं, 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। ग्रोथ की आप बात करें तो उसका कोई अंत ही नहीं है। और ये जो स्टार्टअप्स हैं, इन सब स्टार्टअप्स ने जो सारे फाउंडर्स हैं वो आपको ज़्यादातर सारे भारतवर्ष से मिलेंगे, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स, टीयर 2 टाउन से मिलेंगे। और आजकल अगर आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे या इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल मिलेगी वहाँ पे, EDC। और ये सेल जो है, जो काफ़ी सारे कॉलेजेस में अटल इनोवेशन मिशन के अंडर चलाई जा रही है। और गवर्नमेंट ने ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ये 16 जनवरी 2016 में लॉन्च किया था, ताकि जॉब क्रिएशन हो और एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएशन हो, लोग अपना धंधा खुद का करें। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी पढ़ाई करके सीधा नौकरी में लग जाएं। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 2016 में, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। और ये जो स्टार्टअप्स खड़ी हुई हैं भारतवर्ष में, इन्होंने बहुत इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन किया है। वेंचर कैपिटल जो फंडिंग मिलती है इन स्टार्टअप्स को, उसने हर साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है। और हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में एक टर्म होती है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक स्टार्टअप जिसकी $1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन हो, यानी 8,000 करोड़ के आसपास से ज़्यादा की वैल्यूएशन हो। स्टार्टअप फंडिंग का इंडिया में ये सीन है कि 107 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स खड़ी हो चुकी हैं, जिनकी वैल्यूएशन हर एक की 8,000 करोड़ से ज़्यादा की है। अभी पिछले बीते एक साल में थोड़े से मुश्किल वक्त आया है, टफ टाइम आया है। चाइना बंद रहा, लॉकडाउन, सारी दुनिया खुल गई, चाइना बंद था तो सप्लाई चेन ख़राब हुई। और कोविड के बाद जो गवर्नमेंट्स ने पैसे बांटे थे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन खड़ी हो गई, महंगाई बढ़ गई, उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां आई, बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, उसकी वजह से पैसे की सप्लाई कम हो गई। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर में फर्टिलाइज़र, ऑयल और फूड, इन तीनों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी। और ओवरऑल अभी 2 दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक, जो सिलिकॉन वैली का US का एक बहुत बड़ा बैंक था, जो वेंचर कैपिटल फंडिंग प्रोवाइड करता था और बहुत सारे कंपनीज़ के, स्टार्टअप्स के सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स भी थे उस बैंक में, वो बंद हो गया। और उस बैंक के बंद होने से लीमन ब्रदर्स का जो 2008 का क्राइसिस था, उसके टाइप का एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया। तो उस वजह से लिक्विडिटी सिचुएशन, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, जो पैसे की अवेलेबिलिटी है, वो थोड़ी कम है शॉर्ट टर्म में। लेकिन इंडिया में जो स्टार्टअप का सीन है, जो इकोसिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अभी भी स्टार्टअप फंडिंग, आप योर स्टोरी देखिए, VC सर्कल देखिए, रोज़ ही हो रही है। थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि वो स्टार्टअप ज़्यादा फंड हो रही हैं जो लॉस ना बनाएं बल्कि प्रॉफिट बनाएं, और जिनकी यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी हो, जिसका मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं उसके अंदर कुछ मुनाफा हो, उसको लॉस में ना बेचें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स खड़ी हो गई थी जो लॉस
बनाती थीं और लॉस बनाने के बाद वो इन्वेस्टर को कहती थी हमें पैसा दे। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर बने तो क्यों बने और कैसे बने। पहली बात ये कि आप इन्वेस्टर क्यों बने। अगर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े सबसे रिच आदमी हैं, वो इन्वेस्ट करके बने हैं, लेकिन उनके साथ 10 और ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे इन्वेस्ट करे बल्कि कंपनी को खड़ा करके उससे रिच बने। तो ज़ारा के फाउंडर आप देख लो, या फिर टेस्ला के फाउंडर देख लो, इलॉन मस्क, स्पेसएक्स उन्होंने बनाई हुई है, ट्विटर भी उन्होंने अभी खरीदा है, तो वो तो कंपनियां खड़ी करके बने। तो आप इन्वेस्टर क्यों बने? देखिए, आप पैसे कैसे कमाते हैं? आप पैसे या तो कोई नौकरी करके कमाते हैं, या फिर कोई आप बिजनेस करके कमाते हैं। बिजनेस करके तब कमाते हैं या तो आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि दुनिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप इन्वेस्टर बन के ज्यादा पैसे कमा सकते हो रादर देन बिजनेस करके, वो मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूं। इनकम टैक्स इंडिया में 30% है, यूएस में 40% है, यूके में 45% है। अगर आप 7 साल से ज्यादा यूके में रुकते हो तो 55% है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिया में 10-20% है, सिंगापुर में 10-15% है, यूएस में 10-20% है। यानी ग्लोबल इकोनॉमीज इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेनिफिट देती हैं रादर देन नौकरी करने वाले को या बिजनेस करने वाले को। वो कहती हैं आप पैसा मैनेज करो, उससे कमाओ, इंसेंटिव हम दे रहे हैं आपको। और दूसरी बात, जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है वो कहां से आ रही है? या तो आप कोई नया कॉस्ट कटिंग करते हो, कोई ऐसी कॉस्ट आपने चीज की कट करी उससे प्रोडक्टिविटी आती है, तो चाइना में सबने फैक्ट्रियां खड़ी कर ली, उसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई चीजों की, उससे ग्लोबल प्रोडक्टिविटी आ गई। दूसरा ये है कि आप कोई नई चीज इन्वेंट करते हो उससे प्रोडक्टिविटी आती है, आपने एक टेक्नोलॉजी नए लाए, आपने सिस्टम को फास्ट कर दिया, उससे प्रोडक्टिविटी आती है। लेकिन दुनिया में जो इंसानों को जरूरत की चीजें हैं वो सारी इन्वेंट हो चुकी हैं। अब आपको ऐसी चीजें इन्वेंट करनी पड़ी हैं जिनका यूज आपको एजुकेट करना पड़ता है कस्टमर को कि ये चीज आप यूज करोगे तो ये फायदा होगा, उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है मार्केटिंग का। 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाती है 5वें साल में। तो आप बताओ कि आप बिजनेस से ज्यादा कमाओगे या इन्वेस्टमेंट से कमाओगे, जबकि गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स भी इन्वेस्टर को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तो पैसा इन्वेस्ट करके कमाओ। तीसरी बात, आप बिजनेस करते हो, उसमें आप 15% मार्जिन कमाते हो, 8% कमाते हो, 10% कमाते हो, 100 रुपए की चीज बेची, आखिरी में 10 रुपए बचा। लेकिन जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है, कंपनी का जो वैल्यू होती है, जो भाव होता है, जो स्टॉक मार्केट में चलता है, जो प्राइवेट मार्केट में चलता है, जो वेंचर कैपिटल फंड देता है, वो आपका जितना बिजनेस हुआ उसके मल्टीपल में चलती है। कंपनी ने 100 रुपए का धंधा किया, कंपनी की वैल्यू है 500 रुपए। आज कंपनी ने 500 रुपए का धंधा किया, कंपनी की वैल्यू हो गई 2500 रुपए। यानी 500 रुपए पे आपने 50 रुपए कमाने थे, लेकिन 2500 रुपए का जब आपने धंधा कर लिया तो कंपनी की वैल्यू से ही आपने 1000 एक्स्ट्रा कमा लिए, जो कि आप प्रॉफिट से नहीं कमा पा रहे थे। तो आपको फिर कंपनी के शेयर्स से कमाना चाहिए या आपको प्रॉफिट से कमाना चाहिए? कंपनी के शेयर्स से कमाने में ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि उसमें कंपनी की वैल्यू भागती है एकदम मल्टीपल्स में। तो इन्हीं सब चीजों के चलते जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं उन्होंने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंटल रीजंस का नाम देके सस्ती लेबर में चाइना में, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्ट कर दिया, और लेटेस्ट जो है वो वियतनाम और बांग्लादेश है। और इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है, चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है उससे इंडिया को भी बेनिफिट हुआ है। लेकिन अब जो
ज़्यादातर इकोनॉमीज़ हैं वो मनी मैनेजमेंट पे चल रही हैं। दुनिया के साहूकार हैं यूरोप वाले, यूएस वाले, जापान वाले, और उस पैसे से वो रिटर्न ढूंढते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इतना पैसा अच्छी एसेट्स को चेस करता है कि उसके भाव बहुत स्पीड से भागते हैं, वहीं पैसा कमाने का टाइम है। इसलिए आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। आप रियल एस्टेट में डालते हो, अभी रियल एस्टेट 7-8 साल से रुकी हुई थी इंडिया में, उससे पहले 5 साल भागी थी, अब पिछले 2 साल से फिर बढ़ रही है। आपने रियल एस्टेट में पैसा डाला, आपकी ज़मीन 5 साल में 3 गुना हो गई, अगर वो इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वहाँ से आप कमा सकते हो। या फिर आपने कमोडिटी में डाला, कॉपर, आयरन, गोल्ड, स्टील, सिल्वर, वहाँ से आप कमा सकते हो। तीसरा, आपने क्रिप्टो करेंसी में डाला। क्रिप्टो करेंसी मैं एडवाइज़ नहीं करता किसी को कोई डाले, क्योंकि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, एक प्योर सट्टा है वो, एक स्क्रीन पे एक नंबर है, वो उस नंबर के ऊपर सब पैसा लगा रहे हैं। तो बाकी आप इन्वेस्टर क्यों बनो, ये तो रीजंस है ही जिसकी वजह से आपको बनना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर कैसे बनो, उसके लिए आपको कुछ नेटवर्क का पार्ट होना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सी अच्छी डील में बाकी लोग पैसा डाल रहे हैं। क्योंकि अगर 3-4 लोग मिलके पैसा डालते हैं तो हर एक का रिस्क थोड़ा कम होता है, उस कंपनी को आगे भी पैसे चाहिए इन्वेस्टर से, तो अगर आपने उनको आगे पैसे नहीं दिए तो कोई और दे देगा, अगर आप अच्छे नेटवर्क का पार्ट हो तो। आप अपने आप को रजिस्टर करो लिंक्डइन पे, आप अपनी गूगल पे प्रेजेंस बनाओ, एक अच्छी वेबसाइट बनाओ, आप मीडियम पे ब्लॉग्स लिखो, आप यूट्यूब पे अपने टॉक्स दो, इवेंट्स अटेंड करो, वेबिनार्स करो, पॉडकास्ट करो, और यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये तो गो टू मार्केट हो गई, कि आपको ऐसी कौन सी बिजनेस की समझ है जिससे आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ के निकाल सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। मान लो एक कंपनी आपके पास आई, आपने उसका पुराना परफॉर्मेंस डेटा देखा कि अभी तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसे मार्जिन्स हैं, धंधा कैसे कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, टीम कैसी है। दूसरा, आपने देखा उसका बिजनेस प्लान कि वो कैसे आगे ग्रो करना चाहता है, क्या प्लान है उसका कि उस पैसे को कैसे लगाएगा वो। तीसरा, आइडिया जो है वो यूनिक होना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि अगर सभी लोग यूनिक आइडिया ढूंढेंगे तो वो कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई आइडिया किसी और कंट्री में वर्क कर गया, जरूरी नहीं है वो आइडिया इंडिया में वर्क कर जाए। जैसे 10 मिनट होम डिलीवरी ब्लिंकिट की है, अब यहां पे घर घर के पास पे किराना की दुकानें होती हैं, सस्ते में माल घर पे भेज देते हैं, तो 10 मिनट डिलीवरी कौन लेगा। लेकिन यूएस में 10 मिनट डिलीवरी सुपर हिट है, क्योंकि वहां पे गाड़ी लेके मॉल में जाना पड़ता है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपकी सेक्टर की समझ अच्छी है तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं ये इंडिया में लगाना चाह रहा हूँ तो क्या चीज़ वर्क करेगी। फिर यह है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट भी है या नहीं। अब आपको कई बार चीज़ें वक्त से पहले आती हैं। इंडिया मार्ट आई इंडिया में ही दिनेश जी की है, यहीं पे उन्होंने बिजनेस शुरू किया। उस टाइम पे अलीबाबा बूम कर रहा था चाइना में, तो इंडिया मार्ट ने सोचा कि वो भी इंडिया में बूम करेंगे, लेकिन इंडियन मार्केट रेडी नहीं थी। जब टाइगर ग्लोबल आया और फ्लिपकार्ट में पैसे डाले और फ्लिपकार्ट बूम कर गया, लोगों ने वहां से ऑर्डर करना शुरू कर दिया, तब इंडिया मार्ट बूम किया, और इस साल तो एक साल में 3-4 गुना ग्रोथ है। कितने साल उन्होंने वेट किया। तो कई बार जो आइडिया होता है वो मार्केट के हिसाब से होता है कि वो सही है या नहीं है, और वो चल गया या नहीं चल गया। और एक स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाउंडर ने वो बिजनेस सोचा, वो उसने क्यों सोचा कि मैं वो बिजनेस शुरू करूं। अब हमारे एक क्लाइंट हैं, डॉक्टर कपल हैं दोनों, उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आई, उन्होंने रियलाइज किया कि IVF क्लिनिक्स में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, तो उन्होंने काफी इंसानियत टाइप का IVF क्लिनिक लगाया।
इसी तरह से हमारे क्लाइंट हैं जो कुवैत में IITN है, IIMs हैं, उन्होंने कुवैत में 5-star कंपनी के चीफ डिज़ाइनर थे, 5-star होटल्स डिज़ाइन करते थे, उनकी वाइफ के पेरेंट्स को मेमोरी चली गई, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई, तो वो इंडिया आए अपनी वाइफ के साथ और उन्होंने ओल्ड एज होम बनाया जो कि बाकी ओल्ड एज होम से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, स्कूल के यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं ओल्ड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने, और जो ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे बाहर सेटल हो गए, पेरेंट्स यहाँ अकेले पड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। तो वो नैरेटिव क्या है, वो स्टोरी क्या है, वो फाउंडर देखा देखी कुछ कर रहा है, उसको क्लैरिटी है भी या नहीं, तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये भी देखने की जरूरत है। उसके बाद बिजनेस तो एक छोटा आइडिया है, एक छोटा पीस है, लेकिन इन्वेस्टर ने फाउंडिंग टीम के बारे में क्या पता किया है कि ये किस मोटिवेशन से चल रहे हैं। जैसे कि बैंगलोर में बाढ़ आई, फ्लड आए, बैंगलोर ऊंचे लेवल पे है, तो वो जो पानी है वो जो बरसता है वो नीचे बह जाना चाहिए, लेकिन वो बहा नहीं क्योंकि वहाँ पे बिल्डर्स ने घर बना दिए। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लेक कंजर्वेशनिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्टअप शुरू करी है जो लेक्स बनाती है बैंगलोर में, और यहाँ पे उत्तराखंड में भी हैं जो पॉन्ड मैन करके पॉन्ड्स बनाते हैं। तो सिंपल सॉल्यूशंस हैं, पानी को इनलेट दिया, आउटलेट दिया, लेकिन उस उनका पर्पस बहुत क्लियर है कि मेरे को एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करना है। अगर उनको ऐसे इंसान को जिसको अपना पर्पस क्लियर है, आपको ऐसा इंसान मिले, आप पैसे डाल दो, ग्रोथ होगी, आगे भी जाके अच्छा चलेगा। और लास्टली आपको ऐसे, अगर आप इन्वेस्टर अच्छे तभी बन सकते हो अगर आपको ऐसी एक आपकी नज़र हो कि आपको ऐसे लोग मिले जो जिनके पास एक पैशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो चीज़ों को देखते हैं, उनको लगता है कि ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये सर्कल होना चाहिए, ये ऐसे फिट हो जाएगा। तो सिर्फ नंबर्स तो कोई भी चेक कर सकता है, रोबो भी चेक कर सकता है, लेकिन जो एक इंसानी पैशन है, वो जब सब चीज़ें ठीक नहीं जा रही हों तब भी वो अपने पर्पस पे अलाइन रहे कि मेरे को तो ये अचीव करना ही है, ऐसे एंटरप्रेन्योर अगर आप ढूंढ सको तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हेल्प चाहिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर। और आपको कितने रिटर्न्स आप एज एन इन्वेस्टर बना सकते हैं उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा डालते हो तो रियल एस्टेट कई बार रुक जाती है, कई बार ग्रो करती है, तो अगर इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में है तो नेचुरली काफ़ी अच्छा रिटर्न है। क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल है, 10% ऊपर, 30% डाउन, 6% ऊपर, आपको यही नहीं पता चलेगा कहाँ घुसूँ और कैसे निकलूँ बाहर। अगर आप कमोडिटीज़ में देखो, साइकिल्स आती हैं, कॉपर की कमोडिटी की साइकिल होती है, गोल्ड की साइकिल होती है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट्स देखो, स्टॉक मार्केट्स में भी वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर आप उनकी फंड की परफॉर्मेंस देखोगे बर्कशायर हैथवे की कंपेयर टू नैसडेक परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, दे मिरर ईच अदर। मतलब इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें पैसा डाल देते, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो बर्कशायर ऊपर जाएगा, इंडेक्स नीचे जाएगा तो बर्कशायर नीचे जाएगा, कोई जादू नहीं है फंड मैनेजर के पास, सिंपल है इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। और स्टॉक मार्केट्स तो पिछले एक साल में US की डाउन चल रही हैं, इंडिया की अभी भी 59-60,000 पे है। तो अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हो अच्छे बड़ी कंपनीज में तो वो कम मार्जिन देंगी आपको, कम ग्रो करेंगी। छोटी कंपनी में करते हो कि ये एकदम से डबल हो जाएगी, वो लॉस भी आपको उतना देगी। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल आपसे 8 या 10 साल के लिए पैसे लेगी और आपको 20% अपना फाइनली कैपिटल गेन काटेगी, 80% आपको पास ऑन कर देगी, 2% वो हर साल काटते हैं अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए।
तो आप इन रीजंस की वजह से इन्वेस्टर बनिए, और इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा फील्ड है, और वी आर ऑलवेज देयर अगर आपको कोई हेल्प या प्रॉब्लम चाहिए, एंड यू आर फ्री टू अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन एनी टाइम। थैंक यू। तो अब ये देखते हैं कि अभी जो हमने आज डिस्कस किया कि इन्वेस्टर क्यों बना जाए, क्योंकि टैक्स सिस्टम्स ग्लोबली इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू बिजनेसमैन और अ सैलरी मैन, क्योंकि लिक्विडिटी ऑफ द मनी ग्लोबली वो इन्वेस्टर को सपोर्ट करती है कि आप इन्वेस्टमेंट गेम से पैसा बनाओ। 2008 की क्राइसिस के बाद अभी तक लिक्विडिटी डाउन नहीं थी, सिर्फ अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने 1 साल में डाउन आई है। और आप इन्वेस्टर कैसे बने, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग गेम में है उनके साथ, आपको किसी सेक्टर की स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए, उसके बारे में आप फोरम्स पे आएं, बात करें, मीडियम पे ब्लॉग लिखें, बिजनेस वर्ल्ड में आर्टिकल लिखें, योर स्टोरी वीसी सर्कल में लिखें, इंक 42 में लिखें, आप पॉडकास्ट करें, आप अपनी थोड़ी विजिबिलिटी बनाइए एज अ पर्सन हु नोज द सेक्टर वेरी वेल, और उस सेक्टर के लोगों से आप इवेंट्स जो होती रहती हैं उसमें जाइए, विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करिए, उस सेक्टर के सीनियर लोगों से मिलिए, मे बी उनके साथ पार्टिसिपेट करके आप को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको समझ जो डेवलप करनी है वो कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखने की, बिजनेस प्लान देखने की, आइडिया कितना यूनिक है वो देखने की, मार्केट है या नहीं उस प्रोडक्ट सर्विस की, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स का, और लास्टली पैशन कितना है फाउंडर्स के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और आपके अंदर आखिरी में पेशेंस होनी चाहिए। उस जो वीसी मनी होता है वो कम से कम 3 साल, फिर 5 साल, फिर 8 साल, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट फंड्स, वो तो 10 साल 12 साल, इतना मिनिमम होना चाहिए। तो आपको कोई भी अगर हेल्प या सपोर्ट चाहिए, हमारा प्लेटफॉर्म इज़ ऑलवेज देयर, एंड यू आर फ्री टू अप्रोच आवर टीम। थैंक यू फ्रॉम तुषार कंसल, कंसल्टेंसी वेंचर्स।